हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi की तरफ से लॉन्च किए गए नए 5G स्मार्टफोन के बारे में। Xiaomi की तरफ से Xiaomi 12 सीरीज फाइनली चाइना में लॉन्च कर दी गई है। एक नहीं, दो नहीं भाई, तीन स्मार्टफोन इस सीरीज में लॉन्च किए गए हैं। Xiaomi 12 वैनिला वेरिएंट लॉन्च किया गया है, Xiaomi 12 Pro भी लॉन्च किया गया है और उसी के साथ में Xiaomi 12X भी लॉन्च किया गया है। एंड आज सुबह में हमने वीडियो डाला था जहां पर हमने बात की थी Xiaomi 12 Pro के बारे में। अगर वो वाला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, जा करके जरूर से चेकआउट करना। सही फोन है भाई, ट्रू फ्लैगशिप फोन किसको बोलते हैं, ये चीज आपको वो वीडियो देख करके पता पड़ेगी। तो प्लीज मेक श्योर कि अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में उस वीडियो को भी जाकर के जरूर से देखें। वो वाला जो वीडियो था उसमें मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे मिले हैं जहां पर आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि Xiaomi 12 के बारे में बात करो भाई, Xiaomi 12 कैसा है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi 12 से जुड़ी सारी चीजों के बारे में, क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, क्या कुछ फीचर्स दिए गए हैं, किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया गया एंड ओवरऑल कैसा है फोन, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हो, लाइक टारगेट रखते मात्र 700 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं बातचीत को और सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको काफी प्रीमियम एंड काफी सुपर मिलने वाली है भाई। यहां पर आपको फुल ग्लास बिल्ड देखने के लिए मिलेगा, ग्लास फ्रंट, ग्लास बैक। बैक में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा, फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको सॉलिड मिलती है, प्रीमियम फील आपको मिलेगा, स्टर्डी फोन होने वाला है। बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई भी शिकायत यहां पर नहीं मिलने वाली है। डिजाइन की अगर बात करें भाई तो सीरियसली गुड लुकिंग फोन है, सोबर फोन है लेकिन दिखने में बहुत प्रीमियम लगता है भाई। बैक पैनल से अगर आप फोन को देखेंगे, टॉप लेफ्ट में आपको कैमरा सेटअप दिया गया है जहां पर तीन कैमरास की हाउसिंग है, उसी के साथ में एलईडी फ्लैश आपको मिलता है। नीचे की तरफ Xiaomi की ब्रांडिंग दी गई है। फ्रंट में आपको सेंटर पंचोल देखने के लिए मिलता है, काफी छोटा सा पंचोल यहां पर दिया गया है, पतले पतले से बेजल्स हैं एंड हल्की सी चीन यहां पर आपको देखने के लिए मिलती है। एंड कलर्स की बात करें तो ब्लैक कलर में, ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में एंड पिंक कलर में, चार कलर्स में फोन लॉन्च किया गया है। दिखने में फोन बहुत प्रीमियम है, बहुत सही डिजाइन है एंड बिल्ड क्वालिटी भी काफी सही यहां पर आपको मिलती है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के मामले में आपको कोई भी शिकायत यहां पर नहीं आने वाली है। अब डिस्प्ले की अगर बात करें भाई तो इस फोन का जो डिस्प्ले साइज है वो पर्सनली मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि यहां पर आपको 6.28 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है। फोन काफी कॉम्पैक्ट रहेगा, काफी छोटा सा फोन रहने वाला है, सिंगल हैंड यूसेज के लिए काफी सही रहने वाला है भाई। तो 6.28 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है जहां पर आपको फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन मिलता है एंड यहां पर आपको 12 बिट का एमोलेड पैनल दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है, 1 बिलियन के आसपास है। यहां पर आपको कलर्स देखने के लिए मिलेंगे, डिस्प्ले क्वालिटी काफी सही है, डिस्प्ले मेट A+ का सर्टिफिकेशन यहां पर आपको मिलता है, टॉप क्लास डिस्प्ले यहां पर रहेगा, उसी के साथ में 20:9 का एस्पेक्ट रेशो है। 415 PPI के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी देखने के लिए मिलती है, काफी डेंस डिस्प्ले होने वाला है। ऑब्वियसली साइज कम है तो पिक्सल डेंसिटी यहां पर ज्यादा ही रहने वाली है। साथ ही साथ HDR10+ का सर्टिफिकेशन मिलेगा, वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिलेगा, डॉल्बी विजन वाला डिस्प्ले यहां पर आपको मिलता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी है भाई। 1300 nits की यहां पर आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है, कंटेंट वॉचिंग के लिए डिस्प्ले टॉप क्लास रहने वाला है, उसमें आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। एंड गेमिंग को संभालने के लिए 120 हर्ट्ज का यहां पर आपको रिफ्रेश रेट दिया गया है एंड उसी के साथ में 480 हर्ट्ज का यहां पर आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। तो जो डिस्प्ले है कंटेंट वॉचिंग के लिए भी सही है, गेमिंग के लिए भी सही है, ओवरऑल डिस्प्ले में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इस फोन को शक्ति देने के लिए इस फोन में लगाया गया है Qualcomm Snapdragon 8 जनरेशन 1 प्रोसेसर एंड 8 जनरेशन 1 जो प्रोसेसर है आज की तारीख में एंड्रॉइड का सबसे ज्यादा फास्ट प्रोसेसर है भाई। 4 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है तो एनर्जी एफिशिएंसी बढ़िया रहेगी, हीटिंग का इशू आपको काफी कम देखने के लिए मिलेगा होपफुली एंड परफॉर्मेंस यहां पर आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। 3.0 गीगाहर्ट्ज़ की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है। यहां पर आपको एक कोर मिलता है आर्म कॉर्टेक्स X2 वाला, 3 मिलते हैं A710 वाले और 4 कोर्स यहां पर A510 वाले दिए गए हैं। डे टू डे की परफॉर्मेंस, सीपीयू परफॉर्मेंस आपको बटरी स्मूथ मिलने वाली है, उसमें आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए Adreno 730 GPU मिलता है जो कि मक्खन गेमिंग आपको करा देगा, 90 FPS की गेमिंग आप कर पाएंगे, कोई शिकायत आपको उसमें नहीं आने वाली है। एंड उसी के साथ में अगर बात करें तो यहां पर आपको LPDDR5 RAM दी गई है एंड साथ ही साथ UFS 3.1 वाला स्टोरेज मिलता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो टॉप नॉच परफॉर्मेंस यहां पर आपको मिलने वाली है, परफॉर्मेंस में आपको कोई भी शिकायत यहां पर देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। अब कैमरास की अगर बात करें तो 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है जहां पर प्राइमरी कैमरा आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो सोनी IMX766 सेंसर के साथ में आता है, जो कि आपको OnePlus Nord 2 के अंदर देखने के लिए मिला है, OnePlus 9 के अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में देखने के लिए मिला है और भी बहुत सारे फोन्स में देखने के लिए मिलता है।
OIS के सपोर्ट के साथ में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। OIS का सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है, उसी के साथ में 13 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है एंड उसी के साथ में 5 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको टेली मैक्रो लेंस मिलता है। तो कैमरा मॉड्यूल यहाँ पर आपको अच्छा मिल जाता है, कैमरा मॉड्यूल में ज्यादा शिकायत आपको नहीं आएगी। 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 60 FPS, जहां पर आप HDR10+ वाले वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड 8K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 24 FPS, जहां पर आप HDR10 वाले वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन भी यहां पर आपको काफी सही मिल जाता है एंड फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है एंड सेल्फी कैमरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो कैमरा सेटअप बढ़िया यहां पर दिया गया है, कैमरा सेटअप में ज्यादा शिकायत आपको नहीं आने वाली है। अब बैटरी की अगर बात करें तो पर आपको 4500 mAh की बैटरी दी गई है। बैटरी का साइज डिसेंट है, लाइट वेट रखता है फोन को, स्लिम है एंड 4500 mAh की बैटरी विद 4 नैनोमीटर चिपसेट एंड विद एमोलेड डिस्प्ले, तो बैकअप आपको सही दे देगी भाई, एक दिन का बैकअप तो आपको मिल ही जाएगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको 67 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, 67 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। 39 मिनट्स में आपका फोन 0 से लेकर 100% तक चार्ज हो जाता है, तो चार्जिंग यहाँ पर आपको काफी अच्छी मिलती है, बैटरी का साइज भी काफी अच्छा है, बैटरी मॉड्यूल में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। इसके बाद में चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया है, 3.5 mm जैक नहीं मिलता है, उसको गायब कर दिया गया है भाई। सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिलता है, छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर आपको मिल जाएंगे, सेंसर में कोई कमी नहीं मिलेगी, एक आधा एक्स्ट्रा सेंसर ही यहाँ पर दिया गया है, तो सेंसर्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो एंड्रॉइड 12 के ऊपर आपको फोन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, उसी के साथ में यहाँ पर आपको मिलेगा MIUI 13 एंड MIUI 13 जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है, अब कितने बग्स हैं कितने फीचर्स हैं ये तो देखने के बाद ही पता पड़ेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपका यहाँ पर डिसेंट रहने वाला है, उसमें आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है। अब स्पीकर्स की अगर बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिनकी ट्यूनिंग करी गई है हरमन कार्डन की तरफ से, यस हरमन कार्डन, हरमन बावेजा नहीं भाई, हरमन कार्डन की तरफ से की गई है, तो ऑडियो एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका सही रहने वाला है, उसमें आपको शिकायत नहीं आने वाली है। एंड कार्ड स्लॉट यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो है जो इंटरनल स्टोरेज है उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा, मेमोरी कार्ड अपने फोन के अंदर नहीं घुसड़ पाएंगे। वेरिएंट्स की अगर बात करें तो 3 वेरिएंट्स में ये फोन लॉन्च किया गया है, 8+128, 8+256 एंड 12+256 एंड प्राइस की अगर बात करें तो 8+128 लॉन्च हुआ है चाइना में 3699 चाइनीज युआन में, इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट करते हैं बनते हैं लगभग 43,400 रुपए के आसपास। अब ये स्मार्टफोन अगर इंडिया में आता है तो भाई थोड़ा बहुत मसाला इसके ऊपर लगेगा, एज यू नो कि कुछ प्राइस बढ़ के आता है चाइना से, तो ये समझ लो कि ये वाला जो स्मार्टफोन है इंडिया में 48,000-47,000 के आसपास इंडिया में लॉन्च हो सकता है एंड 47,000-48,000 के हिसाब से एक डिसेंट ऑप्शन रहेगा, नॉट द बेस्ट लेकिन नॉट द वर्स्ट, मतलब लिया जा सकता है क्योंकि फोन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। मॉनिटर बंद हो गया पीछे। तो स्पेसिफिकेशन तो फोन के भाई बहुत तगड़े हैं और सबसे सही चीज मेरे को लगी इसका जो डिस्प्ले साइज है, काफी कॉम्पैक्ट डिस्प्ले दिया गया है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फोन है एंड ये वाला फोन तो अपन नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन Mi 12X अगर उसके बारे में आपको जानना है तो कमेंट करके बताना, उसके बारे में भी बात करेंगे और वो वाला जो स्मार्टफोन है अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो डेफिनेटली उसको परचेस करने की मैं कोशिश करूंगा। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि स्पेसिफिकेशन को देखते हुए आपको क्या लगता है ये वाला जो स्मार्टफोन है Xiaomi 12 इंडिया में किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होना चाहिए एंड क्या आप इस स्मार्टफोन को खरीदना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।